YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकास को एक नई परिभाषा दी है। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने जींद की अनदेखी की है। जींद की अनदेखी करने वाले अब जींद को राजधानी बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जींद उपचुनाव को लेकर कहा कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस का सिकुड़ना अब शुरू हो गया है। जींद की अनदेखी के सबसे बड़े गुनहगार रणदीप सुरजेवाला और उनके पिता हैं। हमारी कल जो चुनावी रैली है वो भी एक बहुत बड़ा जमावड़ा होगा। जो लोग ये कहते हैं ना ये सेमीफाइनल है या फाइनल है या क्वार्टर फाइनल है, ये ना तो क्वार्टर फाइनल है ना सेमीफाइनल है। ये एक किस्म से हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला चुनाव होगा। आज जो राजनीतिक दल हमारे जींद की धरती पे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग रास्ता दिखा के हम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे सामाजिक ताना बाना बढ़ाने में किसी का हाथ रहा हो तो मुझे खोल के बताएं। और उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे जो कहते हैं कि अब हमारे को वोट दे दो, हम हरियाणा की राजधानी जींद में बनाएंगे। हरियाणा बने तो 52 साल हो गए और इन पार्टियों को भी, कोई तो 135-136 साल पुरानी पार्टी है, कोई अपने आप को कहते हम 4 दशक की पार्टी हैं और कोई 4 महीने की भी पार्टी है। इतनी बड़ी बड़ी बात करना साधारणता मतदाता को छलावे में रखना है कि हमारी सरकार ने विकास को एक नई परिभाषा दी है। और वो ये कि विकास की तो सब बात करते हैं, कोई भी 2 साल राज में रहेगा 2 महीने रहेगा 2 बार रहेगा 10 साल रहेगा, लेकिन हमारी सरकार ने विकास की परिभाषा को बदला है। और बदला इस तरह है कि बदलाव के साथ विकास। आप एक चुनाव क्षेत्र से एमएलए हैं, दूसरे में बन के कहाँ जाओगे? तो कांग्रेस पार्टी के दिवालियापन की निशानी है ये।